हेलो एस जी टी बी स्टूडेंट्स आई एम रजनी फ्रॉम श्री गुरु तेग बहादुर स्कूल एन एच नाइन सिरसा दिस इज योर इंग्लिश क्लास ओपन योर इंग्लिश बुक इन इंग्लिश क्लास स्टूडेंट्स टूडे वी विल डू ए चैप्टर फोर चैप्टर नेम इज़ नेमिंग वर्ड्स वट इज़ द नेमिंग वर्ड्स नेमिंग वर्ड्स क्या हैं हमने क्लास फर्स्ट में भी पढ़ा था द नेम्स ऑफ पर्सन एनिमल्स एंड बर्ड्स प्लेस और थिंग्स के जो नेम होते हैं उसे नेमिंग वर्ड्स कहते हैं रीड दिटेंस रामू इज गार्डनर इन हैप्पी मॉडल स्कूल ही वर्ड्स रामू एंड गार्डनर आर द नेम ऑफ पर्सन वर्ड्स हैप्पी मॉडल स्कूल एंड गार्डन आर द नेम्स ऑफ प्लेसिस Roses and trees are the names of things. Crows and sparrows are the names of birds. Squirrels and ants are the name of animals. These are some naming words. Naming words like person, places, things, birds, or animals. Persons Rita, Mira, Hari, mother, aunt, friend, policeman. Places Delhi, Amritsar, Tajmel, Durgapur, classroom. Things bread. Chair, toy, stone, birds or animals, crow, owl, cow, dog. So, okay, students, naming words is clear. Now, in A part, circle the naming words and write them in proper columns. Here is four columns persons, animals or birds, places and things. Firstly, we will सर्कल द नेमिंग वर्ड्स लाइक इन फर्स्ट सेंटेंस अ गर्ल नेम्ड मीना लिवस इन राजेंद्र नगर शी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मीर शी इज कॉम्बिंग हर हेयर गर्ल मीना राजेंद्र नगर मीर एंड हेयर ये ओल वर्ड्स क्या है नेमिंग वर्ड्स हैं हमने इन्हें सर्कल किया है इन सेकेंड सेंटेंस डॉक्टर अनिता दास वर्कस इन जे जे हॉस्पिटल द डॉक्टर इज स्टैंडिंग नियर अ पेशेंट शी हैज़ एन इंजेक्शन इन हर हैंड जो ये वर्ड सर्कल किए गए हैं ये सब क्या हैं नेमिंग वर्ड्स हैं आफ्टर दैट आपने क्या करना है जो पर्सनस के नेम आएंगे इन फाइव सेंटेंसेस में आपने देखना है लाइक like, मीना जो है गर्ल है वो पर्सन है हमने इसमें राइट करना है अब राजेंद्र नगर प्लेस था तो हम उसे प्लेस वाले कॉलम में राइट करेंगे ऐसे ही जो एनिमल्स और बर्ड्स के नेम होंगे वो इस कॉलम में एंड जो थिंग्स के नेम होंगे उसे हम थिंग्स वाले कॉलम में राइट करेंगे ओक, ओके ओके स्टूडेंट्स यू विल डू दिस पेज नंबर इन योर इंग्लिश बुक ओके थैंक यू